Hello everyone and a very warm welcome to Shiksha. So guys, this is the third lecture for current affairs and development issues. And as usual, we'll be doing the questions. Okay. And question jab karo, yaad rakhiyega. Question dekhne ke baad, sunne ke baad, samajhne ke baad, ek baar khud se uska answer karne ka koshish kijiyega. Ek paper aur ek pen lekar ke baitha kijiye. ठीक है, उसमें जैसे अब इसके अंदर 13 questions हम discuss करेंगे, तो 1 to 13 numbering कर लीजिए. एंड हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर कीजिए. जो स्किप करना है वहां पर एक ब्लैंक डैश लगा दीजिए. और एंड में जब वीडियो खत्म हो जाए तो जरूर देखें कि कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए. और आप अपने आप को स्कोरिंग भी इसके अंदर दे सकते हैं. हर सही क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को 3 नंबर दे लो और हर गलत के लिए अपने आप को 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करें. गलत क्वेश्चन के लिए एक आइडिया आपको लगेगा कि कितना आपने सही किया, कितना गलत, और क्या आपको जरूरत है, किस कितना परसेंटेज आपका स्कोरिंग आ रहा है. ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट. एंड पहला क्वेश्चन देख, ये रहा पहला क्वेश्चन, फैक्चुअल सा क्वेश्चन है. ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिसेंटली एक नया फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो अराउंड 6 बिलियन USD का प्लेटफॉर्म होगा, और इसका काम होगा कि ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस वगैरह जैसे सिचुएशंस होते हैं ना, उसको डील करें. तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बी IMF, सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. फैक्चुअल क्वेश्चन है. देखो, मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूँ, एक स्मार्ट बैलेंस मेंटेन करके चलना है करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है. और वो बैलेंस मैं आपका अपने आप मेंटेन कर दूंगा, बस आपने वीडियोस के ऊपर रिलाय करना है. ओके, नाउ द आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेटा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, ठीक है. बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से. एंड बेसिकली ये जो प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसकी एबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके कि वो दुनिया के अंदर फूड प्रोडक्शन वाला जो एरिया है वहां पर ग्रो करे, ताकि ग्लोबल फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन को बेटर डील किया जा सके. तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज द पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप. सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेडली पेपर में कई बार आ जाते हैं, यूपीएससी के ईपीएफओ टाइप एग्जाम्स में स्पेशली. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है यार, अक्टूबर के अंदर ना 2022 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक नया रूल अप्रूव किया. इस रूल के हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि एक सिंगल चार्जिंग पॉइंट होगा सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का. भी आप देखते हो ना कि एप्पल का फोन है उसमें अलग तरह का चार्जिंग पॉइंट लगेगा, सैमसंग के फोन में अलग लगेगा, नोकिया के फोन में अलग टाइप का चार्जिंग पॉइंट लगेगा, आईपैड में कोई अलग चार्जिंग पॉइंट लगेगा, ठीक है. तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए सारे जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं. तो इसके लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने कितना समय बेसिकली सेट किया कि कौन से ईयर से ये लागू होगा. अब आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा. बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्लाइमेट और एनवायरमेंट कितना बड़ा कंसर्न बना हुआ है, ठीक है. क्योंकि आप के लिए तो अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे हैव टू कंसीडर इट. 2012 जो मूवी में कंडीशन बनी थी वो कंडीशन ना बन जाए, उसके लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है ये. यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2024, ई वेस्ट को कम करने के लिए. क्योंकि अभी क्या है, अगर एक घर में एक आदमी के पास दो अलग अलग कंपनी के फोन है, उसको दो अलग अलग चार्जर खरीदने पड़ते हैं. फिर अगर उसके पास टैब है तो टैब के लिए अलग चार्जर खरीदना पड़ता है, ठीक है. तो उससे क्या हो रहा है, तीन चार्जर हो गए. वहीं अगर एक चार्जर में काम चल जाए तो डेफिनेटली ई वेस्ट कम होगा. एंड इनफैक्ट यहां तक भी बात हो रही है कि 2024 से ये लागू होगा, उसके बाद 2025 या 2026 से इवन लैपटॉप्स जो होंगे उसको भी इस कैटेगरी में ला दिया जाएगा कि आपके मोबाइल फोन, आपके टैबलेट्स, आपके कैमराज, आपके लैपटॉप सब सिंगल एक चार्जर से चार्ज होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स स्कीम टू डेवलप गौथन्स. ये बेसिकली स्कीम एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स.
ओके, तो बेसिकली ये जो काउ शेल्टर्स होते हैं ना विलेजेस में, उनको एज अ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा, जहां पर रूरल एंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली एनकरेज किया जाएगा। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का ये स्कीम है, ये सीधा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर स्कीम के बारे में पढ़ा हुआ है तो आंसर कर सकते हो, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आंसर किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज विल बी ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बेसिकली ये स्कीम लॉन्च किया गया है और 300 ऐसे गौथन कम इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है इनको डेवलप किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी ने सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, इन जो एग्जाम्स होते हैं इनके अंदर काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो वंस अगेन, अब कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ इस गाइडेंस के साथ चला जाए कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसके हिसाब से मैं करंट अफेयर्स डेवलप करूंगा, तो वो यहाँ पर मार्क आ जाएगा और डेफिनेटली ये ईपीएफओ के एओईओ या एपीएफसी एग्जाम में वो पूछ सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड बेसिकली प्रेजेंट किया था, नेशनल फिल्म अवार्ड में बेसिकली ये अवार्ड कैटेगरी आती है, तो किसको मिला, तपन सिन्हा, सौमित्रा चटर्जी, आशा पारेख या फिर विनोद खन्ना। सो द राइट आंसर गाइज हेयर विल बी ऑप्शन सी, आशा पारेख। एंड ये 68th एडिशन था दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2020, नई दिल्ली में बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी, एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखो, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, बैंकिंग कैटेगरी वाले बच्चे तो पूरे सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस करते हैं, ठीक है। अगर कहीं गली नुक्कड़ में मिला तो वो भी अवार्ड करना पड़ता है। सिविल सर्विसेज के अंदर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस जनरली पूछे नहीं जाते हैं कि किसको क्या अवार्ड मिला, लेकिन ईपीएफओ अगेन फाइन एक बैलेंस मेंटेन करने की बात है, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड है। तो यहां पर आपके पास ये ऑप्शंस हैं, किम कैम्बेल कनाडा से, खालिदा जिया बांग्लादेश से, एडिथ क्रेसॉन फ्रांस से और एंजेला मर्कल जर्मनी से, किसको ये अवार्ड मिला है। सो द राइट आंसर गाइज हेयर इज ऑप्शन डी, एंजेला मर्कल। तो जो आपकी जर्मन चांसलर रह चुकी हैं एंजेला मर्कल, इनको ये अवार्ड मिला है। और इनको ये अवार्ड किस लिए मिला है, क्योंकि जब ये बेसिकली जर्मन चांसलर थी तब इन्होंने असाइलम प्रोवाइड किया था अराउंड 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज को 2015-16 में, जो सीरियन क्राइसिस से रन कर रहे थे। ये जो आपका अवार्ड होता है नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड, ये एनुअल अवार्ड है, 1954 से हर साल इसको दिया जाता है। एंड दिस इज बीन बेसिकली नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, नॉर्वे के एक साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था फ्रिडजॉफ नानसेन, उन्हीं के नाम से बेसिकली ये अवार्ड को नेम किया गया है। ओके चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। सबसे पहले तो करेक्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया कि पेपर में करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने 2020 का कुछ डेटा प्रोवाइड किया है, इसको इशू किया है। इशू कौन करता है, जो आपका रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है वो इसको इशू करता है। अक्टूबर 2022 के अंदर ही रिपोर्ट आई थी। तो कुछ पॉइंट्स हैं एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। पहला पॉइंट कहता है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आईएमआर है, वो मेल्स के लिए 28 है और फीमेल्स के लिए भी 28 है 2020 में। तो बेसिकली मेल और फीमेल का आईएमआर इक्वल हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि नेशनल लेवल पे आईएमआर 9 पॉइंट गिरा, 37 पे था, फ्रॉम 37 इन 2015 एंड बाय 2 पॉइंट्स फ्रॉम 30 इन 2019। तो 37 से 30 पे आया एंड अब फाइनली 28 पे है 2020 में। तो बेसिकली नेशनल लेवल पे आईएमआर 28 पे है। मध्य प्रदेश 43 के साथ हाईएस्ट आईएमआर वाला स्टेट है और केरला 6 के साथ लोएस्ट वाला है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट, ठीक है जी, करेक्ट। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन के साथ भी कर सकते हो। देख लो पहले आंसर है यहां पर आपका डी। देखो जी, पहला स्टेटमेंट जो है 28 28 मेल और फीमेल का आईएमआर इक्वल हो गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी कैंसिल हो गया।
दूसरा ऑप्शन कहता है कि नेशनल लेवल पे आईएमआर 2020 में 28 पे रह गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन 1 ए हट गया, ऑप्शन सी हट गया, अब बी और डी बचा है। लेकिन बी और डी को अब आंसर करने के लिए आप अल्टीमेटली, आपको थर्ड स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं पता तो कंफ्यूज हो जाओगे कि बी है या डी है, तो एलिमिनेशन पूरे तरीके से नहीं काम करेगा, एक आधा ऑप्शन हटाने में आपको हेल्प कर देता है। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज डी। तो मध्य प्रदेश में 43 हाईएस्ट आईएमआर है और केरला में लोएस्ट 6 आईएमआर है, ये भी एकदम करेक्ट। तो कुछ डाटा देख लेते हैं जो इसके अंदर था, रिपोर्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है वो इशू करता है, एंड मेल एंड फीमेल का आईएमआर इक्वल हो चुका है, 28 का है दोनों के लिए। नेशनल लेवल पे आईएमआर की बात करें तो 9 पॉइंट्स डिक्रीज हुआ 2015 से लेकर 19 में, एंड अब 19 से 20 में 2 पॉइंट्स कम हुआ। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आईएमआर है 43 के साथ और केरला का सबसे कम है 6 के साथ। रूरल आईएमआर, इसके अंदर ना एक रूरल और अर्बन भी देखते हैं कि रूरल एरियाज में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है और अर्बन में कैसा है। तो रूरल आईएमआर जो है वो 41 था 2015 में, 10 पॉइंट कम होकर के 31 पे आ गया, और अर्बन आईएमआर 6 पॉइंट से डिक्रीज हुआ है, 25 था 2015 में और कम होकर के 19 हो गया 2020 में। तो एक चीज और भी यहां पर ध्यान में रखनी है कि रूरल आईएमआर जो है वो अर्बन आईएमआर से ज्यादा है। वो इस टाइप का स्टेटमेंट भी कई बार पेपर के अंदर पूछ लेता है कि फॉर एग्जाम्पल वो स्टेटमेंट डाल दे दैट रूरल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मोर देन द अर्बन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या रूरल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन द अर्बन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस टाइप के स्टेटमेंट भी पेपर के अंदर वो पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है कौन सी कंट्री की नेवी ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया, व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट इंडियन नेवी के साथ। तो ये व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन की जा सके इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ। तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने ये सितंबर 2022 के अंदर एग्रीमेंट साइन किया था? द आंसर ओवर हियर गाइज इज ऑप्शन डी, रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ। ओके, एट्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अब बुक्स, अगेन सिविल सर्विसेज के अंदर ऑथर ऑफ द बुक्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया टाइप की हो। करंट के अंदर अगर कोई किताब लिख रहा है उसमें ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, वो बैंक में पूछते हैं। तो अगेन यहां पर एक फाइन बैलेंस बनाना है। अंबेडकर अलाइफ किताबें जो इन्फ्लुएंशियल लोगों ने लिखी हैं, अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई किताब लिख देते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बायोग्राफी लिख देता है, ठीक है, तो वो किताब कहीं ना कहीं थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, या कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं अगर वो किताब लिखते हैं तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो यूपीएफओ लेवल के एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो यहां पर आपके ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो ऑप्शंस हैं शशि थरूर, करण सिंह, अरुण शौरी एंड जसवंत सिंह। तो ये किताब किसने लिखी है दोस्तों? अंबेडकर अलाइफ, ये किताब लिखी है बेटा शशि थरूर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नाइन्थ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ डे। ओके, अगेन बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, पूरे महीने में हर रोज कोई ना कोई डे होता है, कभी कोई नेशनल कभी कोई इंटरनेशनल, बट अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि कौन से डेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ डेज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो करने पड़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022, थीम पूछा हुआ है यहाँ पर। डेट भी पूछ सकता है, थीम भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है स्टेटमेंट टाइप में। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड, ऑप्शन बी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ऑप्शन सी हाउसिंग एट द सेंटर, एंड ऑप्शन डी इज हाउसिंग पॉलिसीज। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? द राइट आंसर गाइज ओवर हियर इज ऑप्शन ए, माइंडिंग द गैप, लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था। बेसिकली ये हर अक्टूबर के पहले सोमवार को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला
पहला जो आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया गया था 1986, एक बार यूपीएससी ने सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट डाल दिया था क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था, इनफैक्ट थीम भी डाल दी थी। आपको लग रहा होगा कि सर पहले की थीम डाली हुई है क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर यूपीएससी के स्टडी करते हो, ठीक है। एंड जो ये आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे होता है ना, इस दिन एक यूएन हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसके अंदर 6 विनर्स थे, 6 के 6 नाम अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। एक अपना इंडिया का था दीप्ति महापात्रो, ठीक है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा से है, इनको भी ये अवार्ड मिला है, तो ये दीप्ति महापात्रो का नाम याद रख लीजिएगा। 10th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है कि फार्म एक्सेल, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेट किया है ताकि फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए इंडिया से। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन डिवाइसेस की इंडिया में। तीसरा कहता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये सीडीएससीओ के ही एक ऑर्गन है और ये लाइसेंसिंग देता है ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस को, अप्रूव करता है और लाइसेंस देता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन सबसे पहले करेक्ट के ऊपर सर्कल लगा लेंगे। ऑप्शंस यहां पर है, यहां पर आंसर आपका पहले ही गिवन है तो कोई बात नहीं, 1, 2 एंड 3 आर राइट। डिस्कस कर लेते हैं सोल्यूशन को। तो फार्म एक्सेल बेटा फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी फुल फॉर्म फार्म एक्सेल की, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको सेटअप किया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको सेटअप किया गया था। रोल क्या रहेगा, सरकार को एडवाइस देना, सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस मीटिंग्स इंडिया और अब्रॉड, ठीक है, तो ये सब काम इसका रहेगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये रेगुलेटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस की इंडिया में, इसके अलग अलग जोनल ऑफिसेस बने हुए हैं। प्री लाइसेंसिंग पोस्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन करता है, लाइसेंस देने से पहले लाइसेंस देने के बाद, और एक बार लाइसेंस मिल गया उसके बाद मार्केट में भी कंटिन्यूअसली ये सर्वेलेंस जो है वो करेगा, ठीक है। और जो ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सीडीएससीओ का ही पार्ट है, जो बेसिकली अप्रूविंग और लाइसेंसिंग ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस की करता है। 11th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। 11th क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है। मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022, इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बिम्स्टेक फ्रेमवर्क के अंदर है जो आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, ओके जी। दूसरा स्टेटमेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इसको कंडक्ट किया था, ये जो मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022 है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन ऑप्शंस यहां पर आपके पास A2 only, B1 and 2, C2 and 3, D1 2 and 3। अब देखो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है ना, एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट करेक्ट होता है और दूसरा पार्ट इनकरेक्ट होता है। तो जब तक आपको ये ना पता हो ना कि दोनों पार्ट करेक्ट हैं क्या, तब तक वो स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग ही रहती है। अब जैसे पहले तो यहां पर आंसर देखो, फिर मैं बताता हूं कि कैसे यहां पर स्टेटमेंट में दो पार्ट है। आंसर है इसका दोस्तों A2 only, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला स्टेटमेंट में दो पार्ट्स कौन से हैं, पहला पार्ट है कि ये मल्टीनेशनल एंटी टेरर एक्सरसाइज है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। दूसरा है कि ये बिम्स्टेक फ्रेमवर्क के अंडर है। अब इसमें एक पार्ट करेक्ट है, एक पार्ट इनकरेक्ट है। मल्टीनेशनल है ये करेक्ट है, लेकिन बिम्स्टेक फ्रेमवर्क के अंडर है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये किसके अंडर है, ये शंघाई जो आपका एससीओ है उसके अंडर आता है ये, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको कंडक्ट करता है और इंडिया और पाकिस्तान ने इसमें जॉइंटली पार्टिसिपेट नहीं किया। थोड़ा डिटेल देख लो, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। एनुअल एक्सरसाइज है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसमें इसको कंडक्ट किया जाता है। 8 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया और इंडिया, ठीक है, तो ये इसके पार्टिसिपेंट्स थे। 12th क्वेश्चन, थोड़ा साइंस एंड टेक वाला एलिमेंट आ गया। कुआफू वन,
से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है कि ये चाइना का पहला स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है जो सन के कोर को स्टडी करेगा। दूसरा, ये रिलेशनशिप स्टडी करेगा बिटवीन जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड है, सोलर फ्लेयर्स हैं एंड कोरोनल मास इजेक्शंस। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। नाउ द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज योर ऑप्शन बी, टू ओनली। पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये टेलीस्कोप नहीं है, ये एडवांस्ड स्पेस बेस्ड फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जिसको कुआफू वन नाम दिया है चाइनीज के अंदर। और ये काम क्या करेगी, ये काम करेगी सन की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने का, या जो कोरोनल मास इंजेक्शंस हैं उसको स्टडी करने का। इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ये बेसिकली क्वेश्चन रिलेटेड है टेली मानस से रिलेटेड, या जिसको हम बोलते हैं टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो ये प्रोग्राम अभी सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया था। पहला स्टेटमेंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर काम करेगा ये वाला प्रोग्राम। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका एम क्या है, कि डायग्नोसिस प्रोवाइड किए जाए टेलीकॉलिंग से रिलेटेड। किसी को मेंटल इलनेस है जैसे अल्जाइमर, तो वो फोन करे और टेलीकॉलिंग के थ्रू ही उसको जो है डायग्नोसिस किया जाए और ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो बताया जाए। अगेन आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी थ्री ओनली, डी वन टू एंड थ्री। तो इस केस में आपका राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर ओवर हियर गाइस इज ऑप्शन बी, टू ओनली। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सो टेलीमानस बेसिकली ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उत्सव पे इसको लॉन्च किया गया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी पूरे देश में, राउंड द क्लॉक 24 आवर सर्विस है, ठीक है, और स्पेशली रिमोट एरियाज जो है उनको कवर किया जाएगा। 23 मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक नेटवर्क है जो अलग अलग एरियाज में कंट्री के बने हुए हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज भी इसका पार्ट रहेगा। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस है, ये एक तरह से नोडल सेंटर की तरह काम करेगा। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस प्रोग्राम के लिए। यूनियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि से कम एक टेलीमेनस सेल जो है वो हर स्टेट और यूटी के अंदर खोलना है। विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। 13 क्वेश्चंस इसके अंदर हमने किए हैं, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे, डो नॉट वरी। किसी दिन अगर वीडियो नहीं डलेगा तो उसकी चिंता मत करना, वो हम कवर अप कर लेंगे जिस दिन नहीं भी डला तो। ओके, सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और लाइक माइंडेड लोगों को शेयर भी कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।